हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज OLT के बारे में बताऊंगा, कैसे हम इसको कॉन्फ़िग करेंगे BSNL नेटवर्क के लिए। ये 4 पोर्ट PON वाला OLT है। इसका 4 पोर्ट SAP इनपुट सपोर्टेड है। हम 4 ISP प्रोवाइडर से हम सिग्नल ले सकते हैं। ये G1 पर हम BSNL का कॉन्फ़िगर किया है। इसमें ऑक्स पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है। ऑक्स पोर्ट में हम इस OLT को कॉन्फ़िगर करेंगे। इस ऑक्स पोर्ट इसका मैनेजमेंट के लिए रखा गया है। मैं ऑक्स पोर्ट से PC को RJ45 केबल में कनेक्ट करेंगे। हम इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। अब चलते हैं डेस्कटॉप पर। इसमें आपको बताता हूँ हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इस OLT का NMS IP एड्रेस है 192.168.8.100। इसी हिसाब से हम इसको मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट करने के लिए हम नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, चेंज एडाप्टर सेटिंग और जिस पे RJ45 कनेक्ट दिखा रहा है उसकी प्रॉपर्टी में जाके नेटवर्क वर्जन 4 पे हम इसको ऐड करेंगे। इस IP एड्रेस क्या रखेंगे, 192.168.8.200 सेट कर देंगे और उसको ओके ओके क्लोज क्लोज करेंगे। हम देखेंगे कि जो OLT का IP एड्रेस NMS पोर्ट पे है वो PCs के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको कमांड में जाके पिंग करेंगे, इसके IP एड्रेस यहाँ पर डालेंगे और एंटर करेंगे। देखिए पिंग होता है। और चलिए हम मोजिला पर चलते हैं। मोजिला पर उसकी वेबसाइट बार में उसके IP एड्रेस डालेंगे। तो ये वेब मैनेजमेंट वाला OLT है, इसको हम मैनेजमेंट वेब के थ्रू कर सकते हैं। गो बैक एडवांस सेटिंग, एक्सेप्ट एंड ट्रिक्स कंटिन्यू। उसके बाद जो यूजर नेम है एडमिन है, जो पासवर्ड है ये OLT के पीछे में लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, उसका हम डालेंगे। और जो कैप्चा है उसके नीचे डालेंगे और लॉगिन करेंगे। थोड़ा देख के मैं पासवर्ड को डालता हूँ। जो एक्स्ट्रा साउंड आता है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कैप्चा डालते हैं। कैप्चा पर लिखा हुआ है UKXRS स्मॉल लेटर में। कैप्चा डालते हैं XRA डालते हैं। लॉगिन करते हैं, नहीं रंग हो गया, फिर से ट्राई करते हैं। शायद क्या रंग हो गया मुझे मालूम नहीं है, फिर एक बार ट्राई करते हैं। OLT के पीछे जो लिखा हुआ है इसको ठीक से देख के मैं डालता हूँ, उसके बाद कैप्चा डालूँगा। भाई आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए आपको दोस्तों के साथ। मेरे चैनल इंटरनेट, केबल टीवी और फाइबर ऑप्टिक के बारे में है। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जो केबल टीवी की नोड एम्पलीफायर रिपेयरिंग होता है वो बारे में भी मैं वीडियो डालूँगा। ये खुल गया, देखते हैं। ये डिवाइस का स्टेटस है। हम
बाईं तरफ जो मेनू है, इस मेनू पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर अपना नेटवर्क का नाम लिख सकते हैं, जो ईपन ओएलटी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अपना नाम भी डाल के सेव कर सकते हैं। ये वी लाइन आईडी सब सब हम क्रिएट करके रखा हूँ। ये BSNL का वी लाइन आईडी देकर हम रखा हूँ, ये कस्टमर को देंगे। इसका वॉइस भी वी लाइन आईडी भी डाल के रखा हूँ। ये पोर्ट है हमारा G1 पोर्ट पर, ये BSNL का है 119, ये BSNL का तरफ से दिया गया है। ये 119 में इसका IP एड्रेस भी, BSNL वाले जो IP एड्रेस दिए हैं उसके हम डाल के रखा हूँ। वो IP एड्रेस आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे आप जो जो VLAN है वो VLAN G1 के साथ PON4 को आप टैग कर सकते हैं। टैग करने से PON4 से वो G1 पोर्ट टैग हो गया, इसका मतलब नेट कनेक्शन वो पॉन में जा सकता है। आप इस तरह भी टैग कर सकते हैं। इसके बाईं तरफ जो मेनू है IP रूट, ये रूट पर आप क्लिक करेंगे तो आप BSNL का जो IP आपको मिला है वहाँ पर आप डाल सकते हैं उस मेनू में। उसको हम दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी का इशू है। इस तरह हम OLT को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद हम सेव करेंगे, लास्ट में सेव करेंगे। और आपका जो OLT है उसको आप हाँ अपने बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जब OLT की कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब डाटा मिट जाएगा, तो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। आप ये जो ऑक्स आईपी है, जो NMS मैनेजमेंट ये आईपी है, ओ एन यू स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कितना पावर ओ एन यू से आता है ये भी देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं, जो आपका सेटिंग है वो सेव कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट यदि आपका अपग्रेड चाहे अपग्रेड कर सकते हैं, डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो बैकअप कॉन्फ़िगर है, जो डाउनलोड है, इस पर डाउनलोड करके आप पेन ड्राइव में रख सकते हैं। जब ज़रूरत आपको ओएलटी प्रॉब्लम आ जाए, डाटा मिट जाए, तो इसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जाके जो रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद ये तो ONU का लिस्ट दिखाएगा, ONU स्टेटस में ONU का DBM भी दिखाएगा, कितना DBM आता है ONU से ये भी दिखाएगा। आप इस तरह उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, थोड़ा इजी है। एक दो बार कर देंगे तो सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये 119 BSNL दिया है, 119 VLAN BSNL के साथ कनेक्ट होगा। 119 में आप BSNL का IP एड्रेस भी डालेंगे। मैं तो ONU का कॉन्फ़िगर वॉइस और इंटरनेट कैसे करते हैं मैं वीडियो भी डाला हूँ, उसका लिंक हम ने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देख के उसको थोड़ा जानकारी भी ले सकते हैं। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए।